बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको आज का डॉलर रेट और रियाल रेट है ये उससे अपडेट कर दूंगा। मैं सबसे पहले आपको डॉलर रेट ही दिखाता हूं मैं, जो कि पहले की नस्बत मजीद बेहतरी ही आ रही है। हालांकि आपको पता ही 4-5 रुपए एकदम से गिर चुका था, लेकिन आज का रेट है जी 208.40 रुपए। और अगर बात करें हम, वैसे स्टेट बैंक की तरफ से 2 दिन हो गए डॉलर का रेट ही नहीं बताया जा रहा है। अगर बात करें मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, यानी कि रियाल रेट के मुतालिक, और पहले आपको एक्सचेंज रेट मैं यहाँ पर बता दूँ, तो ये है जी 55 रुपए 55 पैसे। कल की नस्बत मजीद बेहतरी इसमें देखने को मिली है। एक चीज़ मैं यहाँ पर एक और क्लियर करूँ कि 56 रुपए 60 पैसे से नीचे आया जी, अभी फिर से स्लो स्लो ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ईद पर मजीद बेहतरी आएगी इसमें। 55 रुपए 55 पैसे ये पाकिस्तानी रेट है, और इंडिया की बात करें तो 20 रुपए 86 पैसे ये एक्सचेंज रेट बता रहा हूँ आपको मैं, बैंकों का थोड़ा कम होता है इससे। अगर बांग्लादेशी पर टके की बात करें तो 24 टके 81 पैसे, ये बांग्लादेशी भाई 23 टके ऊपर कुछ पैसे होता था, अभी ये भी 24 टके 81 पैसे हो चुका है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी आपको बता दूं मैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जी रांची बैंक की, जो कि इस वक्त 54 रुपए 62 पैसे रेट दे रखे हैं। 54 रुपए 62 पैसे, कल का इनका रेट था 55 रुपए 2 पैसे, ये पूरे 55, आज 54.62 हो चुका है, 10, 17 एंड 23 रेल फीस के साथ है। इंजाज बैंक की बात करें तो आपको 54 रुपए 74 पैसे रेट मिलेगा, 10, 17 एंड 23 रेल फीस के साथ है। बैंक अल जजीरा फौरी बैंक की बात करें तो आपको 54 रुपए 81 पैसे रेट मिलेगा, और 10 रेल फीस है इनकी। और अगर बात करें वेस्टर्न यूनियन की, तो यहाँ पर आपको 54 रुपए 70 पैसे, वैसे 55 सही है यार, बंदा बोल आसानी से लेता है, 54 रुपए 70 पैसे 23 रेल फीस के साथ है। मनीग्राम की बात करें तो आपको 54 रुपए 90 पैसे, हाई रेट है इनका, 54 रुपए 90 पैसे और 23 रेल फीस है। टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो इसमें आपको 55 रुपए 80 पैसे रेट मिलेगा, 55 रुपए 80 भाई टैली मनी का इस वक्त का हाई रेट है, सबसे आपके नज़दीक दिन है तो भेज लें, बेस्ट रहेंगे। वैसे इनकी 10 एंड 15 रेल फीस है। अगर बात करें क्विक पे की, तो क्विक पे की इस वक्त दे रहे 54 रुपए 82 पैसे और 10 रेल एंड 17 रेल फीस।